नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर हाजिर हैं लेकर के एक नया टॉपिक, क्लास 10th आरबीएसई सब्जेक्ट एसएसटी और चैप्टर हमारा है 12। आज हम 12 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 12 चैप्टर का जो हमारा नाम है, शीर्षक है, वह ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। बच्चों, बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ह्यूमन रिसोर्सेज, पहले तो इस चैप्टर से मैं आपको बता दूं कि बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, यहां से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, पूरा डेटा के रूप में आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डेटा के रूप में पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है। देखो, यहाँ पर दो शब्द है, एक है ह्यूमन और दूसरा है रिसोर्सेज। ह्यूमन मानव, तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब क्या है, मानव प्राणी है। ठीक है, जिसे प्रकृति की सबसे अच्छी रचना कही जाती है वो है तो ह्यूमन। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब संसाधन। तो अब बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं, रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, संसाधन क्या होते हैं। सबसे पहले हम रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज की बात करते हैं। देखो, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट फुलफिल आवर नीड्स, वो सभी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है, उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन का अगर मैं टुकड़े करूं, संधि विच्छेद करूं, तो बनता है सम प्लस साधन, सम धन साधन। ठीक है, साधन यहां पर मूल शब्द है और साधन का मतलब होता है कि वह चीज जिसके द्वारा हम हमारे टारगेट, हमारे लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उसे हम साधन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले संसाधन के बारे में बात की कि संसाधन क्या है। तो ऑल ऑफ द थिंग्स दैट फुलफिल आवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब यहां पर संसाधन के रूप में बात करें तो संसाधन कितने तरह के होते हैं, तो संसाधन कई तरह के होते हैं। बेसिकली संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है और वो दो भाग जो है वो एक तो है भौतिक संसाधन और दूसरा है मानव संसाधन। अगर संसाधनों की मैं बात करूं तो फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, तो देयर आर टू टाइप्स रिसोर्सेज अवेलेबल इन नेचर्स। प्रकृति में दो तरह के रिसोर्सेज बताए गए हैं, बांटे गए हैं। पहला है भौतिक रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन। दूसरा है मानव संसाधन, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मानव संसाधन के बारे में। हमने पता किया रिसोर्सेज क्या है, वो सभी चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये जो मार्कर मेरे हाथ में, जो पेन है, ये मेरी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, मेरी आवश्यकता है लिखना। ये मोबाइल है जिसमें रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, ये जो पुस्तक है जिसे मैं पढ़ता हूं, या जो ये शामपट या जो व्हाइट बोर्ड जो है इस पे मैं लिख रहा हूं, या और कोई माध्यम जिसके द्वारा मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जो मुझे मेरे उद्देश्य को प्राप्त करवा रहे हैं, वो सभी चीजें क्या होती है, संसाधन। और संसाधनों को दो भागों में बांट दिया, एक भौतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन। मानव को संसाधन क्यों माना गया, क्योंकि मानव भी एक दूसरे के काम आता है, मानव भी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, डॉक्टर्स हमारी सहायता करते हैं, जिन्हें हम हेल्पर्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, इंजीनियर हमारी सहायता करते हैं, टीचर हमारी सहायता करते हैं, लॉयर हमारी सहायता करते हैं, मजदूर जो वर्ग है वो हमारी सहायता करता है, कॉबलर हमारी सहायता करता है, कारपेंटर हमारी सहायता करता है, वो सभी व्यक्ति हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मानव को भी क्या माना गया, एक संसाधन माना गया, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज में सबसे बड़ा रिसोर्सेज अगर कोई है तो मानव संसाधन है, क्योंकि मानव संसाधन ही इन तमाम रिसोर्सेजों का उपयोग करता है, इनको यूटिलाइज करता है। इसके बिना, मानव संसाधन के बिना
अन्य सभी संसाधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। सबसे बड़ा संसाधन है, एक्टिव संसाधन है, ठीक है, जो अन्य संसाधन का उपयोग करता है। अब मानव संसाधन, तो हम बात करेंगे मानव के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है पॉपुलेशन की, तो हम सबसे पहले बात करें पॉपुलेशन के डेफिनेशन की। तो देखो पॉपुलेशन के अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर, एक डेफिनेट, एक प्लेस, कोई भी एक निश्चित स्थान जिसमें एक समय, एक तो पर्टिकुलर प्लेस हो गया, पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम में रहने वाले लोगों की संख्या। मान लो ये कोई प्लेस है, जयपुर है, ठीक है, ये एक स्थान है और इस स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, लोगों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। जब भी पॉपुलेशन की बात की जाती है तो पॉपुलेशन के डेफिनेशन की बात की जाती है तो पॉपुलेशन के डेफिनेशन में तीन चीजों को शामिल करते हैं। नंबर एक है डेंसिटी, जिसे कहते हैं घनत्व। दूसरा है ग्रोथ, जिसे कहते हैं परिवर्तन या वृद्धि। और तीसरा जो है वह फीचर, मतलब टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का प्रकार, कि जनसंख्या किस प्रकार की जनसंख्या कहां पर निवास करती है। जैसे हम अगर बात करें फीचर की तो फीचर में आ जाएगा कि यहां पर ऑल पर्सन कितने हैं, यंग कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं। सेक्स की बात करेंगे, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं। तो ये सब किस में आ जाता है, पॉपुलेशन के फीचर्स की बात करेंगे। ग्रोथ की बात करें तो पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, एक 10 साल के पीरियड में, एक साल के पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक निश्चित स्थान में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना चेंजेस आया है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर कोई प्लेस है और यहां पर पहले 100 पीपल्स लिविंग थे, रहते थे, ठीक है, 10 साल बाद दोबारा यहां पर कैलकुलेशन की गई तो यहां पर पता चला कि 120% हो गए। तो 10 साल के पीरियड में कितने लोग बढ़ गए, 20 लोग। तो इसे क्या बोलेंगे, ग्रोथ। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब होता है जन घनत्व, पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले लोगों की संख्या, कि ये पर्टिकुलर प्लेस है इसमें कितने लोग रहते हैं, इसके क्षेत्रफल में जब इसकी जनसंख्या का भाग दिया जाएगा तो वो क्या निकल के हमारे सामने आएगा, डेंसिटी, कि इतने लोग इतने किलोमीटर में निवास करते हैं। तो हमने बात की सबसे पहले मानव संसाधन की, और दूसरा जो हमने टॉपिक पे बात की, दूसरा टॉपिक जो हमारा था, वो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन के बारे में, कि पॉपुलेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन जो है, इस पॉपुलेशन की साइज और इसके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, इसका आकार और इसका वितरण जो है हम उस पर बात करें। तो आकार और वितरण की बात करें तो देखिए विश्व की हम बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे, कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार से है। और हम बात करेंगे टॉप 10 जो कंट्रीज हैं, टॉप 10 जो देश हैं, उनकी जनसंख्या क्या है, उनकी कंडीशन से क्या है। तो देखिए पहली बात तो हम भारत की बात करें, तो भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अंदर। अब बात करें सर दूसरा सबसे बड़ा देश अगर भारत है तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो आप जानते हो कि फर्स्ट नंबर पे जो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है, चीन है। सबसे बड़ा देश भारत सेकंड नंबर पे विश्व में जनसंख्या के स्थान पर, और चीन कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। आगे हम बात करें कि सर सेकंड नंबर पे ये है, फर्स्ट नंबर पे ये है, भारत हम एक छोटे से तरीके से इसको एक टेक्निक से याद करेंगे, यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 का मतलब है कि भारत का ही एक टुकड़ा है, भारत का ही एक भाग है, वो कौन सा है, पाकिस्तान। भारत
भारत का ही एक टुकड़ा है, भारत का ही एक भाग है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? 4। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर हम बात करें